तो पार्वती साबिर और माँ का स्वागत है। मैंने यार क्या एक छोटी पोर्टेबल अलमारी इसको जोड़ लिए। ये देखो ये इसके नेट है, ये इसके डंडे रोड है, ये उसका कवर है वहाँ पे, ये नेट है सब, इसको जोड़ने का सामान है। ये मैंने इधर सात नेट जोड़ के बता दिए, ये इसके ऊपर दूसरा लगेगा, ऐसे ऐसे करके जुड़ेगी, फिर मैं आपको बताती हूँ जोड़ते समय, बताती हूँ आपको कैसे जोड़ें। ये देखो दोस्तों इसको मैं जोड़ के दिखाऊंगी, एक सेक्शन इसके अंदर ये डालूंगी, इसके अंदर ये डालेंगे, फिर ये पर नेट है, नेट डालेंगे इसके अंदर, जोड़े देखो दोस्तों, ऐसे ऐसे जोड़ लो इसको, ये मैंने एक सेकंड नहीं जोड़ दिया, ये देखो ये जोड़ रखा है, चार भाग यहाँ पे जोड़ दिए, देखो इधर चार भाग जोड़ इसके ऊपर जोड़ेंगे, फिर ऐसे ऐसे करके पूरी अलमारी बन जाएगी, फिर मैं आपको बताता हूँ। ये देखो दोस्तों मैं इसको जोड़ लूँगा अभी एक एक करके, एक सेक्शन और खड़ा कर दोस्तों, इसमें मैं डंडियां लगाते जाऊंगी, सेक्शन खड़ा करते जाऊंगी, इसमें लगा रही हूँ एक एक करके, देखो दोस्तों आखिरी डंडी रह रखी, बाकी मैंने लगा दिए, ये देखो पूरी डंडी लग गई दोस्तों, मैंने एक फ्रेम बना दिए, ये देखो मैं एक डंडी और जोड़ूंगी इसपे, देखो दोस्तों मैं इसको इसमें डाल दी हूँ, इससे ऐसे दोनों तरफ से एक सेक्शन जोड़ दिया था, ये देखो दोस्तों इसमें मैं एक टी सेक्शन और जोड़ूंगी, एक इसमें भी जोड़ूंगी, ये देखो दोस्तों इसमें एक पैप और लगाऊंगी मैं, ऐसे पैप करके लगाऊंगी दोस्तों, पहले मैंने एक लगा दिया, ये देखो लग चुका है, देखो ये देखो दोस्तों इसके ऊपर एक सेकंड और जोड़ा मैंने, डंडियां जोड़ूंगी, देखो दोस्तों तीन सेक्शन मैंने जोड़ दिए हैं, चौथा सेक्शन ये मैंने जोड़ने के लिए रखा है, मैं इसको अभी इसके अंदर जोड़ के दिखाती हूँ। ये देखो दोस्तों सारे सेक्शन मैंने जोड़ दिया, अब मैं इसको यहाँ पे जोड़ कर दिखाऊंगी, अलमारी ऐसे ऐसे बनते जाएगी, जोड़ेंगे ये देखो दोस्तों अलमारी पूरी जुड़ चुकी है, दो सेक्शन जोड़ चुके हैं, ये देखो मैंने जोड़ दो सेक्शन जोड़ दिए, ये देखो अलमारी बन गई, अभी ऐसे ऐसे करके बताती मैं पूरा। देखो दोस्तों अगले सेक्शन के लिए फिर से पैप लगाएंगे, हम ये पैप लगाने लग गए, शुरू कर दिया मैंने, एक पैप लग गया, तैयारी कर रहे हैं, ये दो साइड में छोड़ दिए, इन पे लगाना है पैप, देखते हैं जैसे अलमारी में जोड़ ही रही हूँ अभी,
दोस्तों इस पर अब आप कवर डालेंगे, कवर खोल के भी इस पे ऐसे डालूंगी, फिर बताती हूँ आपको कैसे कैसे बना। एक मैंने डाल दिया है, दूसरी में डालती हूँ अभी, ऐसे ऐसे तीन सेक्शन बनाएंगे इस सेक्शन में। इस सेक्शन मैंने बना दिए तीनों जोड़ दिए, अब मैंने एक सेक्शन की तैयारी कर रही है जोड़ी इसमें। देखो दोस्तों इसको भी मैंने जोड़ दिया, ये देखो दोस्तों ये मैंने पैर जोड़ दिया, मैं कपड़ा जोड़ूंगी इस पे। ये देखो दोस्तों दो फ्रेम बन के मेरे तैयार है, इसको मैं आप लगाऊंगी यहाँ पे इसके ऊपर। ये देखो दोस्तों एक फ्रेम मैंने और जोड़ दी इसके ऊपर, ये देखो अलमारी बनकर तैयार हो रही, आप भी बनाओ इससे अलमारी। ये दूसरे सेक्शन के लिए छह डंडे और लगाऊंगी इस पे, छह पैप ऊपर को और लगाऊंगी, फिर दूसरा सेक्शन में इसके ऊपर लगाऊंगी, देखो पैप लगाऊंगी मैं इसे। अब देखो दोस्तों छह डंडे लग के तैयार हो गए मेरे, फिर मैं इसे साइड और लगाऊंगी, ये देखो इसमें ऐसे डालूंगी। अब देखो दोस्तों साइड वॉल लगा रही मैं, क्योंकि ये मैंने सब साइड वॉल लगा दी, हमें इसके ऊपर इसके ऊपर में ये लगाऊंगी जो मैंने सेक्शन बना रखा है, देखो उसको लगा दूँ। ऐसे ऐसे करके मेरी अलमारी तैयार हो रही। देखो दोस्तों अलमारी कुछ कुछ बनकर तैयार है, ये तीसरा सेक्शन भी लगा दिया, ये देखो कुछ कुछ अलमारी बनकर तैयार है, फिर बताते पूरा बना के। अरे आखिरी सेक्शन है, इसके लिए मैं डंडियाँ तैयार कर रही हूँ, देखो मैंने डंडियाँ लगा दी। डंडी और लगाऊंगी, बड़ी अलमारी बन जाएगी, काफी कैरी हो जाएंगे इसमें सामान, नीचे ऊपर पड़ा रहे। देखो दोस्तों अलमारी तैयार करने के लिए अब शेड वॉल तैयार करूंगी मैं, इसको पर लगा दूंगी, फिर इसके ऊपर मैं डंडी और जोर से जाऊंगी। साइड में अलमारी के डंडे जोड़ चुके हैं, इससे जोड़ूंगी। अब देखो दोस्तों ऐसे में डंडियां लगाऊंगी मैं इसमें, देखो देखो दोस्तों हमारा अलमारी बन के तैयार है, इतनी बड़ी अलमारी अच्छी बनी है, इसमें कपड़े हपड़े रखने को कैरी करने को सब अच्छे हैं, बहुत अच्छा बन गया, फिर आपको पूरा बना के बताती हूँ। दोस्तों मैं हैंगर बना रही हूँ, देखो हैंगर बनाऊंगी, देखो दोस्तों मैंने हैंगर बना दिए। देखो दोस्तों लंबे कपड़ों के लिए हैंगर भी बन गए, उसके बाद दोनों तरफ लंबे लंबे कपड़े लटका सकते हैं, ये देखो यहाँ भी हैंगर बना दिए मैंने, देखो देखो दोस्तों अभी एक कवर लगाएंगे हम अलमारी का, कवर खोल ली मैं, देखो बहुत बड़ा कवर है उसका, बहुत बड़ा है। ये देखो दोस्तों इतना बड़ा कवर है इसका, कितना बड़ा है, पूरा अलमारी में आएगा। ये देखो दोस्तों हमारा कवर लग कर तैयार है, ये देखो चेन भी खोल दिया, ये देखो इधर से भी, अब हमने कपड़े लगाना डालना इसमें, चेन खोलो इसे करके, कभी
तैयार है अलमारी का, कोई नहीं जाएगा अंदर। ये देखो फर्स्ट क्लास हो गए, मैं चेन लगा के दिखाती हूँ। देखो दोस्तों, इसके जेबों में भी काफी सामान आ सकते हैं, जेब है इसकी। ये देखो अगर फोल्ड करके तुमने ऐसे चेन। ओके दोस्तों, तो मेरी अलमारी बन के तैयार है। कपड़े रिहाइश का कवर करके ऐसे ऊपर भी कर सकते कवर को, अगर आपको कपड़े कपड़े लगाने हैं तो ढंग से चिपकाने वाले भी हैं। मेरी अलमारी बन के पूरी तैयार है। देखो आप मेरे वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, मेरे चैनल को देखते रहना, मैं ऐसी चीजें आपको दिखाते रहूंगी। ये देखो मेरी पूरी अलमारी तैयार है, इसके अंदर बहुत सारे कैरी करके सामान रख सकते हैं आप। इसको जब कहीं इधर उधर जाना है तो खोल भी सकते हैं, खोल कर सकते हैं। अच्छी चीज है ये, आप भी देख लो, आप भी ला सकते।